हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए थे और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और पहुंच गया था मैं कैंपिंग करने के लिए। छोटे भाई को साथ में लेके आया था, हमने कहा चलते हैं आज कैंपिंग करते हैं। कई दिनों से काम के चक्कर में कुछ बना ही नहीं पा रहे थे। सो ये है हमारी लोकेशन और ये हमारा बैग पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इतने सारी बाइक खड़ी है, और यहाँ पर भी हम करेंगे। सो कैंपिंग हमारी टेंट लग के रेडी है और कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ से भाई को बोला सफाई करो, क्योंकि आग यहीं जलाएंगे, रात को हमें यहीं रुकना है आज। सो देखते हैं क्या होता है। चलो पहले सामान अंदर आ लेते हैं पहले फटाफट, फिर बात करते हैं। सो गाइस भीग गया हूँ, और पहले हम ले जाते हैं लकड़ी कुछ सूखी सूखी, क्योंकि आग जलानी है और लंबे टाइम तक रुकना है, और क्योंकि अभी हुए हैं 12 बज गए हैं, अभी 10:40 हो गए हैं, 11:41 हो गए हैं। सो पहले लकड़ी करते हैं इकट्ठी। ये देखो क्या फाड़ रहे हो, अरे बढ़िया से फाड़ो भाई, ये सूखी सूखी वाह, यही बढ़ेगी, यही जलेगी हमारी लकड़ी। चलो हम भी कुछ लकड़ी ले आते हैं, फिर मिलते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ इसको तोड़ने की। अरे बाहुबली ले भाई। सो गाइस सेटअप हमारा हो चुका है और मैं भीग गया हूँ, और ये देखिए पूरा भीग गया हूँ। और कपड़े थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज करके फिर मिलते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। सो गाइस क्लोथ मैंने चेंज कर लिए हैं और एकदम रेडी हो गए हैं। सो सबसे पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया और एक भी व्लॉग अपना अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा घर के काम में बिजी था और थोड़ा सा ऐसी फैमिली प्रॉब्लम होती रहती कभी किसी कभी किसी की। सो इसके वजह से कुछ कारण के वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। सो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग, बारिश हो रही थी, बारिश में इतना तेज बारिश हो रहा था कि जैसे हम लोग यहाँ जंगल में पहुँचे और बारिश रुक गया। अभी छोटा छोटा बूंदाबांदी हो रही है, और सेटअप हमारा रेडी हो गया है। छिंदा भाई अंदर बैठ गए, छिंदे भाई और नमकीन खा लो भाई साहब, आते ही नमकीन खाने लगे, इनको भूख लगी है। सबसे पहले हम कुछ बनाते हैं यार, सूप टाइप का कुछ बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा भूख मेरे को भी लग रही है, क्योंकि हम लोग सुबह चाय नाश्ता करके निकल गए थे, उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते बज गया 12, और अभी करते हैं स्टार्ट आज का दिन। सो गाइस रेडी हो गए हम लोग कुछ खाना बनाने के लिए।
बिकॉज भूख लग रही है। और पहले हम लोगों ने प्लान किया था सूप बनाते हैं, अभी हम सूप नहीं बना रहे हैं क्योंकि सूप से हमारी भूख नहीं जाने वाली है, बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग। सो भूख से सूप से हमारी भूख नहीं जाने वाली है, हमने सोचा मैगी बनाते हैं। मैगी हमारे पास सिर्फ दो ही मैगी है, ज़्यादा मैगी भी नहीं है, हम लोग बंदे हैं तो दो दो मैगी खाने वाले हैं, पर फिर भी हम लोग काम चलाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाद में बनाते हैं, बाद में चिकन की तो बाद में तैयारी करेंगे। और मैं गया टमाटर लेने, दो टमाटर, एक ये और एक ये, सिर्फ दो टमाटर, 30 रुपये के दो टमाटर मिले हैं मुझे, बहुत सस्ते हो गए टमाटर। इसके लिए हम लोग एक टमाटर वापरेंगे मैगी के लिए और एक टमाटर हम लोग बनाएंगे चिकन के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं मैगी की। यहाँ पे देखो हवा बहुत चल रही है, हमने क्या जुगाड़ लगाया, एक साइड से हमने पत्ता लगा रखा है और एक साइड से हमने ये चॉपर लगा रखा है, और अभी हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है मामला। आज हम बना रहे हैं पीनट्स ऑयल में, हाँ नहीं ग्रोनट, सॉरी आज हम बना रहे हैं ग्रोनट ऑयल में। सो ये हमें इंजन ऑयल के साथ फ्री मिला था तो हमने कहा चलो आज हम लोग इसको कैंपिंग में ट्राई करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने डाल दी है मैगी, और ये दूसरा पैकेट भी डाल दिया हमने। लो जी, और इधर सुरेंद्र भाई सीधे होके सो रहे हैं, ये मज़े ले रहे हैं, मौसम अच्छा है, फुल चिल्ड, मतलब मौसम एकदम मस्त वाला हो गया। पहले धूप निकली थी, अभी अचानक से फिर वापस बारिश वाला मौसम हो गया, क्योंकि हमें तो लंबे टाइम के लिए रुकना है, इसके लिए आज हम लोगों ने शेड वेड बना के मस्त रुके पड़े हैं। और साड़ी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, हमारी बाइक हमें थोड़ा दूर खड़ा कर रखा है, ये देखिए लोकेशन, और ये देखो। तो गाइस अभी हमारी मैगी जो बन के एकदम चकाचक एकदम ज़बरदस्त वाली बन के तैयार हो गई है, और अब हम ट्राई करते हैं मैगी हमारी कैसी बनी है। कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। मज़ा तो आया, और जंगल में बैठ के मज़ा ना आया तो फिर बात ही क्या, कैंपिंग करने का मज़ा ही नहीं फिर। सो मैगी तो हम बना ही लिए हैं, अब हम बनाएंगे थोड़ी देर में और कुछ तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, आप भी इंजॉय करो। तो गाइस जंगल में हम निकले थे टहलने के लिए, और टहलते टहलते हम पहुंच गए एक बरगद के पेड़ के नीचे, और जहां पर हम बरगद पे थोड़ा सा झूला झूलेंगे। ये देखिए ये बरगद का बहुत बहुत ज़बरदस्त पेड़ है, और यहां पे देखिए लोकेशन, और अब हम यहां पे थोड़ा सा झूला झूलेंगे। सो गाइस अभी हमने थोड़ा खाना खा लिया है, खाना मतलब मैगी खा लिया, थोड़ा एंजॉय कर लिया, बाहर घूम के आ गए जंगल में। अब हम थोड़ा सा सोते हैं, 2 घंटे के लिए सोते हैं, फिर उसके बाद 4-5 बजे उठ के बनाएंगे हम लोग मस्त वाला चिकन। गाइस हमने आराम कर लिया, सो लिया कम से कम 1 घंटा आराम से मस्त सोए, और उसके बाद अब मौसम एकदम मस्त वाला हो गया, बारिश हो रही है। ये देखो भाई आग जला रहे हैं, आग जल जाएगी अभी, और बारिश आ रही है, देखो आवाज़ आ रही है ऊपर, पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है। सो अभी करते हैं कुछ आई थे, अब इसमें भरेंगे मसाला, और मसाला भरने के बाद इसमें रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको रख दिया जाएगा, 15-20 मिनट रख के फिर इसको हम लोग। सो गाइस हम लोग जाली भूल गए थे, मैंने पिछली बार कैंपिंग किया था जंगल में जाली रखा था, फिर अभी जाली लेके आएंगे। देखो
जाली लगा दी इसके ऊपर। अब हम निकालते हैं चिकन को, मसाला वसाला लगा के एकदम चकाचक हुए पड़े हैं। ये देखो ये आ गया, और दूसरा पीस ये। तो अब थोड़ी देर में इसको मस्त करके बन जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा बनाते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर मौसम सही रहा तो रुकेंगे, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे जंगल में। तो हमने कहा आज का दिन यहाँ रुकते थे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, इसको बढ़िया करके बना लेते पहले। सो गाइस 5 बजने वाले हैं और मौसम वापस अभी से ख़राब होने लगे। देखो इधर मौसम कैसे दिख रहा है, ऊपर बादल जैसा हो गया पूरा, और बादल तो हो ही रखे हैं बट मौसम एकदम खतरनाक वाला वापस से हो गया है। और यहाँ पे हमारा चल रहा है तंदूरी लेग पीस बन रहा है, खाते हैं थोड़ी देर में, फिर आराम करेंगे। देखते रात को भी, रात को अगर हो सका तो रुकेंगे, नहीं तो फिर घर सीधा घर निकल जाएंगे। सो गाइस आजा, हमारा चिकन लेग पीस बन के तैयार है, ये देखो। हाँ गर्म बहुत है तो थोड़ा सा भी टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। ऑसम सुपर, ये देखो क्या बनेले, ये देखिए जबरदस्त, वाह। और इसको ऐसा तोड़ा और ऐसा उठाया हम, अल्टीमेट मज़ा आ गया भाई। चला अभी कैमरा रहा, तू भी आ जा। क्यों लग गया, स्वाद आ गया, मज़ा आ गया। सो गर्मी बहुत हो रही है, भाई का तो मज़ा आ गया, और मज़ा आ गया। सो गाइस हमने मस्त आज का दिन एंजॉय किया, शाम के 6 बज चुके हैं और हमें घर से कॉल भी आ गई है, और बिकॉज़ थोड़ी हमारी भैंस को प्रॉब्लम हो गई, और हम लोग अभी पैकिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग पैक करेंगे सामान, और सामान हम लोग ऑलमोस्ट धीरे धीरे पैक करना शुरू कर दिया, कुछ गाड़ी पे रखा है कुछ यहाँ रखा है। और छिंदे भाई को भी गर्मी लगने लग शुरू हो गई है, एकदम अचानक से धूप आई, धूप आने के बाद फिर वही मौसम ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा गर्म भी हो रहा है यहाँ पर भी, और हम लोग भी निकल रहे हैं, घर से कॉल भी आ गई। सो गाइस फटाफट पैक करते हैं, चलते हैं घर। सो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू ब्लॉग ही व्लॉग आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए, एकदम फुल्ली रेडी हैं यहाँ से अभी निकलने के लिए, और मौसम ठीक है, वेदर अच्छा है ये देखिए। और थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया है, और भरोसा नहीं कि यहाँ जानवर आ सकते हैं, इसके लिए हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए पहले निकल रहे हैं यहाँ से। सो यहाँ पर कोई भी हम लोगों ने गंदा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कोई पेड़ नहीं काटा, कोई गलत काम नहीं किया। सो हम लोग ने अपना कैंपिंग किया, सही सलामत करके वापस जा रहे हैं। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।